सत श्री अकाल किसान वीरो, मैं सुनील अत्री, साइलेज बिजनेस मैनेजर पोटेवा एग्री साइंस। दोस्तों, अज असी बसंत रुत दे मौसम दे विच खड़े हैं, जिहड़ा मौसम है साइलेज वास्ते एक वधिया मक्की लगाउण दा। सो इस टाइम ते किसान दे लई एक सब तो वड्डा सवाल हुंदा है कि अगर मैं अच्छे तरीके दा साइलेज बनाउणा है तां मैं किहड़ी मक्की लगावां, किहड़े हाइब्रिड दी मैं चोण करां। सो आम तौर ते दोस्तों इह देखिया जांदा कि किसान कोई भी मक्की लगा के उहदा साइलेज तां बना सकदा है, पर अगर असी एक वधिया तरीके दा साइलेज बनाउणा है जिहड़ा साडे डेयरी एनिमल्स दे वास्ते, साडे पशुआं वास्ते वधिया पोषण दा कम करे, तां उहदे लई सानूं एक अच्छी हाइब्रिड, एक अच्छी वरायटी की ही चोण करनी चाहिए है। उदाहरण के तौर पर अगर असी 250 कुंटल 225 कुंटल झाड़ की गल करते हैं तो एक औसतन तो उपर का यह झाड़ मनिया जाता है। ये सानू छलियां का योगदान घट्टो घट 35-40% होना चाहिए। ये नाल नाल ही असी ये देखा कि किसान भरावो तुहाडे वास्ते एक एक दिन की जिहड़ी बहुत वड्डी कीमत है। सो इस रुत्त दे विच, इस मौसम दे विच वो हाइब्रिड चुनो जिहड़ा थोड़ा 80-85 तो 90 दिनों दे विच तैयार हो जाए, यानी कि औसतन 85 दिन की जिहड़ी है समय की बुनियाद लै करके चले। पाइनियर ब्रांड की P1844 मक्की ये सारे गुण तुहानू प्रोवाइड करती है, जिहड़ी कि बहुत अच्छा बायोमास झाड़ भी दिंदी है, जिहदे अंदर दाने की रेशो 35-40% दे विच हुंदी है, यानी कि अगर असी 100 किलो पट्ठा वढ़दे हाँ तो उहदे विच 35-40 किलो सानू छलियां का भार ही मिलता है, जो कि एक वधिया क्वालिटी का अचार बनाउण दे काम आउंदा है। क्योंकि अचार तो साडा सब तो पहला मकसद हुंदा है अच्छा ड्राई मैटर, पोषण भरिया ड्राई मैटर ते स्टार्च। ते स्टार्च सानू मिलेगा अगर छली दे विच दाने अच्छे है, अगर टोटल पट्ठियां दे विच छलियां दा योगदान ज़्यादा है। सो असी अगर 1844 नू एक राइट समय दे उत्ते हाफ मिल्क लाइन, जिहनू असी कह दिंदे अद्धे दुद्ध ते अद्धे पक्के हुए दाने, उस स्टेज दे विच उस अवस्था च कटदे आ तां इहदा ड्राई मैटर तुहानू 30% तो उपर ड्राई मैटर मिलेगा। सो ड्राई मैटर इंपोर्टेंट टॉपिक है अगर आपां पोषण डिसाइड करना, तो पोषण दे बेसिस ते आपां हाइब्रिड डिसाइड करना। दूजे नंबर पर जिहड़ी मैं अपने पहले भी गल की कि छलियां दा योगदान, सो छलियां दा योगदान या दाणियां दा योगदान दोस्तों ये डिसाइड करेगा कि उस हाइब्रिड दे साइलेज दे विच सानू स्टार्च किन्ना मिलेगा। सो स्टार्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है किसी भी साइलेज की एक क्वालिटी, उहदा पोषण की क्वालिटी डिसाइड करन दे लई, क्योंकि स्टार्च ऊर्जा दिंदा है ते उस ऊर्जा तो जिहड़ा पशु है उहनू अब्जॉर्ब करके उहनू पाचन करके दुध देवेगा। जिहड़ी असी पूरी क्रॉप दोस्तों साइलेज वास्ते असी लगाने आ, वो पूरी क्रॉप दा कुछ हिस्सा जिहड़ा वो पोषण च जांदा है तो कुछ हिस्सा जिहड़ा उहदा गोबर विच जांदा है। सो असी ये डिसाइड करना है कि वो हाइब्रिड जिहड़ा पाचन दे विच ज़्यादा जावे ते अल्टीमेटली दुध दे विच कन्वर्ट होवे, ना कि गोबर दे विच। यानी कि इस गल तो मेरा भाव ये सीगा कि उस हाइब्रिड नू चुनो जिहदे विच पाचन योग रेशे ते पाचन योग जिहड़े पदार्थ ज़्यादा होण, सो तां कि वो पाचन दे थ्रू दुध बनाउण, ना कि कल्ला गोबर। डेयरी तो साडा भाव ये है असी अच्छा दुध लैना है अच्छे हाइब्रिड तो, अच्छे हाइब्रिड का साइलेज बना करके, ना कल्ला असी गोबर लैना। तो दोस्तों हुण असी गल करते हैं P1844 की बिजाई की। सो जदों असी दोस्तों साइलेज वास्ते मक्की लगानी है, जिवें असी देखते हैं कि दाने वास्ते अगर असी कोई मक्की लगाने हैं तो उहदा कतार तो कतार का डिस्टेंस जिहड़ा हैगा लगभग 24 इंच हुंदा है, बूटे तो बूटे का 8 इंच हुंदा है। पर साइलेज वास्ते सानू पौद्यां दी संख्या प्रति एकड़ 2-3 हज़ार ज़्यादा चाहिए है दाने वाली मक्की नालों। सो इस करके इहदी जिहड़ी बीज की मकदार है वो भी ज़्यादा होएगी, करीबन 9 किलो बीज की मकदार प्रति एकड़ जाएगी, जिहदे विच असी अगर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस यानी कि पौधे तो पौधे के डिस्टेंस की गल करिए लगभग 7 इंच का डिस्टेंस जाएगा। सो इहदे नाल दोस्तों सानू ये फायदा है कि अगर असी वध पौधे एक एकड़ दे विच लैने आ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਬਾਇਓਮਾਸ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਇਲੇਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਖਾਦ, ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ 2 ਬੈਗ ਯੂਰੀਆ, 60 ਕਿਲੋ DAP ਅਤੇ 1 ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਪਾਓਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਇਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਮੱਕੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਕਿਲੋ ਜਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਇਲੇਜ ਵਾਸਤੇ P1844 ਮੱਕੀ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
आम तौर पर देखा जाता है कि लगभग हफ्ते दे विच एक पानी की रिक्वायरमेंट रहती है जिहड़ा इस मौसम दे विच मक्का लग रहा है। बाकी ये डिपेंड करता है कि गर्मी किन्नी है, ताप किन्ना है या खेत दे विच मॉइस्चर किन्नी जल्दी उड़ रहा है। हो सकता है ज़्यादा टैंपरेचर दे विच तुहानूं चौथे दिन भी पानी लगाना पै सके, पर पानी लगाउण दी या सिंचाई दी आपां चार अवस्थावां जिहड़ियां ने उहनां दा खास तौर पर उचेचे तौर पर ध्यान रखना है। पहली अवस्था जदों जम्मण हो रहा, जदों जर्मीनेशन हो रही है। दूसरी अवस्था जदों मक्की 3-4 पत्तियां तक आ जाती है या गोड्यां दी तक आन दी अवस्था दे विच हुंदी है। सो ये दो चीज़ां सीगियां। तीसरी चीज़ आपां दोस्तों जरूर ध्यान रखिए, जदों परागण क्रिया हो रही है, जदों बाबू झंडा निकलता उस तो बाद जदों परागण क्रिया हुंदी है तो उस टाइम खेत दे विच बत्तर उस टाइम खेत दे विच नमी प्रॉपर जिहड़ी आ उह होनी चाहीदी है। उहदा कारण यह है कि अगर उस टाइम खेत दे विच सेल प्रॉपरली नहीं हुंदी तो दोस्तों जिहड़े परागण कण ने वह नीचे छली दे बालां तक नहीं पहुँच पाते तो उस टाइम दाने भरन की समस्या आ सकती है। सो इस टैक्नीकल पॉइंट नूं असीं जरूर याद रखना है क्योंकि असी साइलेज दे विचों खाली पट्ठे नहीं लैने, असी उहदे विचों छलियां दाणे नाल भरियां होईआं छलियां जरूर लैणियां ने। सो इन्हां अवस्थावां दा जिहड़ा इहदे वास्ते उचेचे तौर पर ध्यान रख्या जाए। धन्नवाद किसान वीरों।